हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ, ये देखो अभी मूवी नहीं, थोड़ा सीधा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि दिवाली आ रही है। तो शॉपिंग तो बाद में करेंगे, दिवाली की पहले दिवाली की सफाई करते हैं, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो पहले मैं आप लोगों को अपना कमरा दिखाती हूँ कैसा है कैसा नहीं, फिर सफाई के बाद भी दिखाएंगे। तो चलो फिर चलते हैं। तो ये देखिए मैं अपने कमरे के अंदर जा रही हूँ, अभी ऐसे है, वैसे साफ है। अभी मैंने सुबह का भी काम नहीं कराया क्योंकि अभी उठा, जल्दी उठ गए। तो देखो टांड वांड पे, वैसे मैं करती रहती हूँ, गुड्डे नहीं है, मैंने धो दिए हैं गुड्डे बच्चों के, तो ये लगाएंगे और सारी सफाई करेंगे, टाइल वगैरह साफ करेंगे। देखो मंदिर को भी साफ करेंगे अच्छे से। ये देखो चादर मैंने कल चेंज करी थी, इसे उतार के फिर जाले वाले अच्छे से झाड़ के। तो चलो फिर करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। बाहर से भी करेंगे अच्छे से टाइल, ऐसे सिंपल टाइल अच्छी लगती है। एक बार कपड़ा मारो, एक बार गीला और एक बार नॉर्मल, तो एकदम साफ हो जाती है। हमने अभी की थी नवरात्रों में, लेकिन फिर एक बार और करेंगे तो दिखाएंगे। देखो तो चलो फिर चलते हैं। अब वो काम करके आई है रसोई में, बर्तन धर के काम करो, दिवाली की सफाई करो। कल्ले कल्ले बहन, जल्दी काम करो, जब भी खाना मिलेगा। ये लब्बो दिवाली की सफाई करते हुए देखो, फिर दिवाली के कपड़े मिलेंगे लब्बो को, है ना लब्बो? ओ माय गॉड, कर दी। क्या कर रहे हो? क्या कर रही है? क्या कर रहे हो? तुम आपको डांटेगी? हाँ? क्या बन रही है? सफाई के लिए तैयार हो रही है? सफाई के लिए तैयार हो रही है लब्बो। कह रही मेरा बेटा। और देखो हमने टाट की सफाई कर दी मैंने यहाँ की, और जाले भी झाड़ दिए मैंने सारे। बीच वाले कमरे में बैठे हैं, अभी हमने नाश्ता करा बैठे हुए हैं, तो अभी करेंगे यहाँ की टाइल साफ करेंगे। नन्नू आ चुकी है, कपड़े धो धो के देगी, हेल्पर हमारी कपड़े धो धो के देगी, तो हम टाइल साफ करेंगे, फिर करेंगे धुलाई। और ऊपर चलते हैं पहले मेरे कमरे में, तो ऊपर की करते हैं। नूनी पत्ते, ये देखिए श्वेता कर रही है सफाई, टाइल साफ कर रही है। मान कर रही है सफाई, नीचे की होगी अब ऊपर की कर रही है। तो देखिए हमने दिवाली की सफाई कर दी है, सारी टाइले वाइले अच्छे से साफ। ये देखिए मेरा घर, कमरा मेरा चमकता हुआ, और गुड्डे भी लगा दिए सारे, अपनी ट्रॉफी भी लगा दी। ये मैंने पहले ही धो दिए थे क्योंकि सूखने में टाइम लगता है। सारी सफाई करी आज, थक गए बहुत। अरे देखो मंदिर भी साफ कर दिया मैंने, अभी अभी मंदिर साफ करा, और भोग भी लगा दिया अपने कानों को चॉकलेट का। ये देखो कानों भी नहा लिया है, सबको नहलाया आज। देखो सारी सफाई कर दी आज दिवाली की, और हम भी अभी नहाए हैं, लब्बो नहा के नीचे गई है, और अब जा रहे हैं ऊपर जाएंगे। ऊपर मैंने मशीन लगा रखी सुबह से, साथ ही साथ सफाई भी कर रहे थे कपड़े भी, और नीचे का भी हो गया। जाले वाले मैंने सारे सुबह ही झाड़ दिए थे, तो चलो आपको दिखाती हूँ। बाहर से भी मेरा रूम अच्छे से सारी, ये कालीन, ये जाली वाली सब धोई है, कालीन दोबारा इधर ही डाल दिया। अब थोड़ी सी ठंड आएगी तो अंदर बिछाएंगे। माता की चुन्नी और कानों के कपड़े भी धो दिए यहीं पे ही, तो अब ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो मेरा कमरा एकदम मस्त हो गया, और मेरी लब्बो की भाप की मशीन है, थोड़ी तबीयत खराब है, अभी भाप देंगे उसको, नहा के नीचे गई है तो दिखाएंगे। मैंने घर पे ही ले आई थी भाप की मशीन, बच्चों की तबीयत खराब होती रहती है, और डॉक्टर की दुकान पे हर कोई आता है यूज़ करता है, तो इसलिए हम लेके ही आ जाए, काम आ जाती है।
तो चलो ऊपर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैं ऊपर आ चुकी हूँ, आधे कपड़े धो दिए हैं मैंने। ये देखो ऊपर भी चद्दर है मम्मी के कमरे की होल की, और ये कमरे में आ गई मैं ऊपर। ये हमारा थान है बाबा का, और ये कंबल मैंने पहले ही धो दिया था निकाल के, क्योंकि धूप की दिक्कत होती है। ये कपड़े भी लब्बो हर के बच्चों के, और जाले वाले मैंने सब झाड़ दिए यहाँ के। बस अब कपड़े धो के एक चक्कर के घूम रहे हैं, एक चक्कर के ये पर्दे बीच वाले कमरे का और मेरे कमरे का ये धोएंगे, फिर आपको फाइनल करके ये कमरा भी दिखाएंगे। चलो फिर करते हैं अपना काम। तो देखिए हमारे यहाँ का भी काम फाइनल हो चुका है। देखो अभी बच्चों के कपड़े भी धो दिए, और ये जो सुबह धोए थे ये सूख गए थे तो उतार के रख दिए, मशीन धो के लगा दिए साइड में। कपड़े धुल गए, धुलाई हो गई अच्छे से, जाले झाड़ दिए, और बाकी कपड़े जो धोए हैं अभी वो बाहर सुखाए, बाहर से भी अच्छे से धुलाई कर दी है मैंने। और यहाँ पे अभी थोड़े दिवाली के बाद हम काम करवाएंगे। ये फर्श, ये वैसा फर्श है तो यहाँ पे पत्थर बिछवाएंगे, क्योंकि ये पानी चूता है यहाँ से, हमारी टंकी है ना भर जाती है तो पानी गिरता है, तो सीलन सी आ रही है थोड़ी मतलब, तो यहाँ पे पत्थर लगवाएंगे सारे में। तो जब काम चलेगा अपने घर का तो दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए इस कमरे का भी काम फाइनल हो गया, अब चलते हैं नीचे तो दिखाएंगे आप लोगों को नीचे का भी। मेरे कमरे का तो मैंने आपको दिखा दिया, बीच वाले कमरे का दिखाएंगे। अपने कमरे में आ चुकी हूँ, और इतना अच्छा लग रहा है कमरे में आके मतलब साफ एकदम क्लीन पूरा। वैसे तो करते ही रहते हैं, लेकिन एकदम जब पूरा करते तो इतना अच्छा लगता है। और ऊपर का भी काम करवाएंगे, और मैं आपको बता रही हम यहाँ भी मतलब कुछ डेकोरेट करवाएंगे, जैसे ये टीवी बीच में आ जाए, थोड़ा शोकेस सा बनवाएंगे, और नीचे मंदिर हो जाए, और इधर उधर जो खाने होते हो तो उसमें मेरी ट्रॉफी वगैरह, ये बच्चों के ऐसे गुड्डे वगैरह ये जो रखे हो वहाँ पे आ जाए। पूरा सेटी सी बनवाएंगे यहाँ, तो दिखाएंगे जब अब काम चलवाएंगे यहाँ पे। ये हम पहले ही करवा लेते, लेकिन दिवाली भी थी उस टाइम, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हमने अपने घर का काम कराया 2 साल ही हुआ है, तो अब करवाएंगे धीरे धीरे सब करवाएंगे। और टांड पे भी वो दरवाजे होते हैं जो ऐसे सेटी वाले, वो लगवाएंगे, और यहाँ पे शोकेस सा बनवाएंगे, थोड़ा मंदिर हो जाएगा नीचे, बीच में टीवी, और इधर उधर खाने से जो भी सामान है अपना रख लो, तो बहुत अच्छा लगेगा। जब काम चलेगा आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए अब ले चलते हैं नीचे, और ये हमारा स्टोर रूम, इसमें हम रखते हैं सामान जो भी राशन वगैरह लाते तो जो बच जाता है वो इस पर रख देते हैं। ये भी साफ हो चुका है हमारा, क्लीन कर दिया इसे भी, और अब चल रहे नीचे। यहाँ की भी धुलाई वुलाई सब हो गई, और श्वेता ने यहाँ का भी कर दिया, जाले मैंने सुबह ही झाड़ दिए थे सारी, इसने दीवारें साफ करी है, सारी धुलाई करी है। और फिर अभी दिखाते हैं आप लोगों को रसोई। तो फ्रिज के ऊपर से भी साफ कर दिया हमने, ये चीनी मम्मी ने दी थी कल, और ये देखो श्वेता थोड़े से बर्तन है मांज रही है। मैंने रसोई के अखबार भी छा दिए, रसोई साफ हमने करी है, अखबार भी छा दिए, डब्बे लगा दिए, सब्जी गरम कर दी, चावल वो चाय चढ़ाई है मैंने, आटा हमारा ये रहा गूंदा हुआ, और मम्मी पापा ने तो खा लिया। अब हम चाय वाय पियेंगे, फिर कुछ खाएंगे। अभी करण गए हैं बाजार, तो फ्रिज के ऊपर से भी, और हमारे अजय को काम पे से ही गिफ्ट मिला, ये देखो दिवाली का, इसमें फ्रूटी वगैरह होगी, दिवाली का गिफ्ट मिला है उसे। देखो क्या है इसमें, देखो जूस है, ये इलायची लीची फ्लेवर, और ये है ये अमरूद रेड वाला, और ये है कीवी, कीवी का है ये गिफ्ट मिला है उसको। और अब चाय पियेंगे बैठेंगे, देखो पूरा घर क्लीन हो गया हमारा, एकदम अच्छा लग रहा है। तो मैं नहा भी ली थी, अभी बैठी हूँ चाय चढ़ा के, अभी चाय पियेंगे। सर में बहुत दर्द हो रहा है, और मेरे आधे सर में तो बहुत दर्द है कई दिनों से। करण गए हैं बाजार बच्चों के लिए दिवाली के कपड़े लेने, तो आप लोगों को दिखाएंगे। सफाई हो चुकी है, अब दिवाली की शॉपिंग दिखाएंगे, इसी में ऐड करेंगे, तो ब्लॉग को पूरा देखना और बहुत अच्छा लगेगा। दिखाऊंगी अभी बाजार गए हैं, जैसे आते हैं वैसे आप लोगों को दिखाते हैं क्या लेके आए बच्चों के लिए क्या नहीं। आ गए दिवाली के पत्ते, आ गए लब्बो के, ये जाऊ के दिखाओ, अभी आए कालू लेके, खोल के दिखाओ कितने अच्छे लग रहे हैं। जैकेट आई है भाई जाऊ की, वाह खुश हो जाएगा मेरा बेटा, उसे तो पसंद है ऐसे ऐसे कपड़े मस्त एकदम। और पैंट है इसके साथ दिखाना सेम, वाह एक नंबर कपड़े एकदम मस्त।
ये जाऊ के कपड़े और लब्बों के पत्ते नहीं आए भाई। लब्बों कौन है? लब्बों के कल आएंगे। ओए बेटे, ओ बेटे, वाह कितने सुंदर पत्ते आ गए लब्बों के। लब्बों के कपड़े बेल बॉटम आई है पैंट और दिखाओ। वाह कैसे लगे लब्बों? आचे ये देखो लब्बों के। अब मेरे और श्वेता के रह गए। वाह देखो कैसे लगे लब्बों? लब्बों के पत्ते तो आ गए भाई। करण कांगे कालू। हेलो करण कांगे। नीचे नीचे लिया है बर्गर? तो हमारे बर्गर आ गए हैं, हॉट बर्गर ये रे। तभी श्वेता डाल के लाएगी चाय। ओए लग गई कोने, लग गई मेरी बच्ची के। कू भागा दो लाए। कौन सी दुकान से लाए हो? ये ब्रांड है ग्रोवर। चलो ग्रोवर से लाया। मैं और श्वेता रह गए, अब हम लाएंगे कल अपने। तो भाई हमारे बच्चों के तो आ गए ग्रोवर से कपड़े, है ना? अब हम लेके आएंगे, हम तो सिंपल कुर्ते लाएंगे। तो अब खाएंगे, चाय पिएगा कालू। ऐसे नहीं बोलो चाचू को, कालू चाचू है ये। शादी में क्या पहनेगी चाचू की? एक नंबर के है अजय। हमारी जाऊ के कपड़े कालू कह रहे हैं। कालू नहीं कह रहे, हम भी कह रहे हैं। देखते ही पसंद आ गए। और आप भी बताना कमेंट में, कमेंट में बताना जी कैसे लगे हमारे बच्चों के कपड़े। हाँ मेरे दिवाली के पत्ते लाए पापा, थैंक यू। हमारा अभी भी आ गया। लब्बो कैसे कर रही है, कैसे कर रही है लब्बो? करिए दोबारा बेटा। कितनी खुश हो रही है लब्बो, सब में ज्यादा खुश हो रही है। देखो हमारे हॉट डॉग आ चुके हैं। देखो जो वो पैर लेके ना एंकर थी जो, देखो इसके भी आ गए, इसके भी आए पक्के आ गए। वहां पर वो एंकर और हमारे कपड़े। एक मिनट, किसके 2700 के अभी के कपड़े आए हैं भाई? तेरे आ गए कपड़े? तेरे भी दिखाऊंगी। ये देखो मेरे लिए देख के आए ये। हाँ लब्बो तो भाई इतना खुश हो रही है कपड़े देख के, बहुत ज्यादा। लब्बो अब लब्बो के जूते रह गए सिर्फ, है ना लब्बो? लब्बो की तबीयत खराब, जुखाम हो रहा है, तो घर जाएंगे। घर जाने से पहले लब्बों को दी जा रही है भाप। तो देखो मशीन में दवाई डाली जाएगी। अब डॉक्टर से दवाई ले आते हैं, ये स्टोर से मिल जाती है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं। हम बच्चों की होती है ये, लिक्विड सा होता है ये। अब लब्बो लेगी भाप। इसकी छाती जाम हो रही है मेरी लब्बों की, है ना? अभी दवाई दे रहे हैं इसे, दवाई। हाँ कोई, हाँ मैं ले लूंगी। चलो भाप लो, नाक में सूंगो। हाँ बस थोड़ा नीचे ही रखो। हाँ ऐसे ही लेनी है बस। जाऊ बीमार पड़ा था बहुत पहले, मेरा जब लिया आए थे। लगा लब्बो कैसे ले रहा है भाप? लगाइयो लब्बो, लगाइयो कैसे ले रहा है भाप? सब पता है इसे। देखो अभी हमने चाय पिया, आलू मेथी खाए हैं, और मैं एक और पराठा बनवा रही हूँ अपनी मम्मी से, क्योंकि मम्मी के हाथ का अलग ही बात है खाने में। अपने घर पे तो पहले खिलाओ फिर खाओ, लेकिन मम्मी के घर पे खाओ पहले, उठ के नहाओ दो, है ना लब्बो? मजा आता है ना नानी के गप्पे। हाँ
सुबह से उठी हुई है, सुबह से परेशान कर रही है मम्मी को। देखो मैं ये खा रही हूँ, गंदी सी। तेरे कपड़े दे दूंगा किसी को, दिवाली के पत्ते गंदी गंदी लड़की है लब्बो। को हमारा आ गया एक और पराठा और मेथी आलू और चाय। लब्बो ये भी कह रही है घर चलो, है ना लब्बो? हांडने को नहीं मिल रहा ना यहाँ? नहीं। सुबह से मेरी मम्मी को परेशान कर रखा है। कब उठ गई थी मम्मी? बताओ 8 बजे उठ गया था तू? वहां नहीं उठती है। देखो दिवाली के कपड़े दिलाएगा मेरे को, दिलाएगा ना? नहीं दिलाएगा? झूठ बोलना बदतमीजी करेगा ना, बहुत मारूंगी मैं। अभी अभी आई हूँ घर से, देखो। और हमारे अमित भाई, हमारे अमित भाई हाँ केक कट रहा है अरुण। और देखो हमारी लक्ष्मी और बाइक लेके आए हैं, ये रही इनकी बाइक, दिवाली पे लेके आए हैं, मतलब दिवाली तो परसों है लेकिन ये बाइक लाए हैं, अच्छी लग रही है। पैर छपवाएगी लब्बो के, चल। हाँ तो दिखाएंगे अभी, देखो लब्बो का इंतजार हो रहा था। हाँ और सरिता दीदी आई हुई है ऊपर, निक्कू का बर्थडे, चलो दिखाते हैं। मीठा कराओ, आपने मुझे बुलाया नहीं। हैप्पी बर्थडे निक्कू। आ रही हूँ आ रही हूँ। नानी कह रही हैप्पी बर्थडे। ये देखो लक्ष्मी की बहन है, ये मेरी भी बहन है, इनने मेहंदी लगाई, दिखा रही है। कब आए आप? हाँ देखो साहिल बाइक लिया, मिठाई खिलाओ। हाँ अरे ये रामन, अभी लब्बों के पैर छपाएंगे तो दिखाएंगे। हेलो, ये देखो आ गए हम ऊपर, रीता दीदी एरी और सरिता दीदी। दीदी नमस्ते। अरे ये आ गया, मैं गाली नहीं दे सकती वरना मैं गाली देने वाली थी इसे। मैं मारना नहीं आता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। छोटी छोटी होती ना मैं टोले मारता मैं बोल। क्या क्या है? ये देखो बर्थडे, फिर भी क्लिप बनाई है अरुण ने हमारे, उसे पता है भाभी ब्लॉगर है तो क्लिप बनाई है, दिखाएंगे। ये देखो और देखो हमारे निक्कू का बर्थडे, निक्कू ने सूट पहना है देखो। हेलो, ये देखो केक निक्कू का। और कालू कह रहे मुझे नहीं लिया, कालू तो मेरा लड़का है, सब में भारी भरकम लड़का है मेरा। कौन हूँ मैं तुम्हारी? हेलो कौन हूँ अभी मैं? मम्मा एक माई ये भी हमारी भाभी। हाँ लड़के नहीं हो जाते तुम इसकी मम्मी हो। हाँ यही तुम्हारा पापा सा लगता है। कितनी बुरी कालू देखना, नहीं मेरा लड़का है। पहले मैं मोटी हो गई थी ना। अभी कोई यकीन नहीं हो रहा इसलिए जोर के। तुम्हारे देखिए क्या हुआ सरिता दीदी, आए आए दस दिन बाद आई। हाँ पुरानी हो गई गाड़ी हमारी। अभी पता चला तुमने 600 बांटे। 600 बांटे ये कालू हमारा। दस दिन बाद आई, मान मिलेगा जब छोड़ूंगी। जब भी आती जब मिलता। फोन पे बंदियों के फोन आते हैं, कह रहा सर मारी, उससे ज्यादा तो तुम सर मारे। ले लो लूट लो, मारते हुए हमारे अजय को। ये देखो अजय के इतने इतने लाल होंठ क्यों हो रहे हैं? दिखा लिपस्टिक लगाई है इनने, इतने लाल होंठ हो रहे हैं इसके देखो। और क्या कह रहा मेरे मेरे दिखाइए।
देख चमक चांदनी। ओए ए मैंने नाम रखा है इसका चमक चांदनी। ये पैसे नहीं दे रहे मेरे को, जब तक पैसे नहीं देंगे मैं गाड़ी की चाबी नहीं दूंगी इनकी। हेलो आया है कालू, कालू दे कालू को, कालू को कुछ हो इसलिए गाड़ी इसने लिए पैसे उससे दोबारा बताओ अभी। देखो 5 रुपए दे रहा है, कह रहे टिकट करा ले कहाँ की माँ थोड़ी रहती है ये गन्नौर नाम का। 4 रुपए की टिकट है। ये देखो हमारे यहाँ रील बनती हुई, रील बन रही है दीदी। ये मैंने निक्कू को गिफ्ट दिया है लेके आई हूँ, और देखो ये दे नहीं रही लब्बो, लब्बो दे नहीं रही। ये देखो हमारी लब्बो के पैर छपवाए हैं, पैर भी मिटा दिया बच्चों ने, लक्ष्मी ने छपवाए पैर। और ये अमन और लेके आए, क्या अमन ने पैर कैसे छपवाए देखिए। पैसे मांगते हुए भाई को। और ये लब्बो जी, लब्बो क्वीन, लब्बो ने खा लिया निक्कू की चॉकलेट छीन के अंदर ही अंदर कोने में घुस गए पूरा डब्बा 4-5। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो आज है धनतेरस, तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी धनतेरस। तो ये दिवाली की सफाई और धनतेरस का ब्लॉग मिक्स कर देंगे, तो दिखाते हैं हम लोग आज क्या कर रहे हैं। झाड़ पोसी सफाई हमने कर दी है, ये बच्चे शैतानी कर रहे हैं, नन्नू पीस रही है चटनी, चटनी बना रहे हैं आज, और मैं बना रही हूँ। मम्मी पापा को रोटी दे दी हमने आलू गोभी की सब्जी से, मैं गूंदूंगी आटा और चावल चढ़ा रही हूँ मैं, सामान मैंने काट दिया आज। बच्चे बोल रहे हैं चावल बना लो मम्मा, और ये लब्बो आ गई है हमारी। हेलो लब्बो, काम करता है ये, सारे टमाटर खाए जा रही है, देखो कह रही काम करता हूँ मैं, नहीं गंदे हाथ नहीं डालने इसमें। देखो ये बच्चे यहाँ है, दिवाली का सामान लेने, घर डेकोरेट करेंगे तो आपको दिखाएंगे। हाँ अभी ये देखो झाड़ू वाली है ये। और अभी हम मैं और श्वेता कुछ लेके भी नहीं आए कपड़े अपने लिए, तो हम कल लेके आएंगे कुर्ता, एक भीड़ हो रही होगी, हम कल कुर्ता लेके आएंगे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है, है भी हमने बहुत पहन पहन के थक गए। तू ले आई दिवाली के कपड़े? आपकी बार दिवाली के कपड़े दिवाली के वो नन्नू को दिला के लाया, नन्नू की मम्मी है ना नन्नू। तो ये देखो हमारा धनतेरस का सामान आ गया, झाड़ू आ गई, नमक की थैली, और ये प्रसाद दिए लेके आए हो, दिए भी ले आए, तो करण लेके आए, और देखो हमारी सरिता दीदी भी आई हुई है बैठी हुई है। ये देखो रंगोली भी आ गई, रंगोली का सामान, और रंगोली भी आ गई। और ये देखो लड़की बहुत अकलमंद है, ढंग से रखते हो उसे। हम लेके आए हैं, हर साल लेके आते हैं सिक्का, दिखाना एक बार दिखा, चांदी का सिक्का लेके आए पूजा के लिए, देखो। नहीं हर साल लेके आते हम, ठीक है हाँ ठीक है। ये देखो सारा सामान आ गया हमारा धनतेरस का, अभी देख रही है धनतेरस का सामान क्या है, धनतेरस की शॉपिंग हुई है। हाँ दिवाली की स्पेशल पूजा, तुम चावल डालना बहुत देर हो गई आपको बोलते हुए, ये रंगोली। सो हेलो गाइस, तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, और वेट करना दिवाली का ब्लॉग बहुत अच्छा बनाने वाली हूँ मैं, और बहुत अच्छा हर चीज दिखाऊंगी आप लोगों को। लब्बो देखो कितना शोर मचा रही है, ये देखो। तो चलो बाय, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना।